मसाल, संघर्षों की चली मसाल, जल जंगल जमीन हमारा क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि ये गली की जो सरकार है, मेरा बंद किया दिया जाए, 200 पॉइंट लागू किया जाए, और यही कहेंगे अब ईवीएम के घोटाले को बंद किया जाए। जनता जागरूक हो रही है, मोदी की वोट में आ गई है, तो बहुत बड़ा अब नेता आपको भुगतना पड़ेगा। मुझे शब्दों में कहूंगी, मोदी सरकार चुनाव सरकार है, और मोदी जी आपको हमें दिखा के रहेंगे। देश का बच्चा बच्चा जागरूक है, और दलित समाज आपके बिल्कुल विरोध में है, क्योंकि आपने दलित समाज को बिल्कुल चरम सीमा पे बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। जिस तरीके से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो और काफी जगह पे आपके धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और मोदी जी के कानों तक जू नहीं पहुंच रही है, मोदी जी के कानों में तो है, लेकिन ये सरकार की सरकार है, पूरे आरएसएस के इशारों पे चलती है, आरएसएस की मोहर है, हमेशा आरएसएस की मोहर पहुंच सकती है आगे। हमने इसलिए भी अपन दलित समाज के साथ ऐसा किया है, बीजेपी भी ऐसा किया है, और दलित सरकार, दलित समाज और दलित सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि मोदी जी होश में आ जाइए, वरना बहुत बड़ा कामयाब आपको भुगतना। अच्छा, अगर उनने आपकी मांगे पूरी नहीं की तो आगे आपका क्या उद्देश्य है? यही है कि हम क्या आप बड़ा आंदोलन करेंगे? बच्चा बच्चा आंदोलन पे आ जाएगा, बच्चा बच्चा आंदोलन पे आएगा, और हम वेट करवा देंगे, और हम आंदोलन करने जा रहे हैं, होश में टिकाने लगी सरकार को काम करने का तरीका भी सिखा सकते। आपका कहना है मैडम, कहाँ से आइए मैडम आप? अच्छा मैडम, क्या कहना चाहते हैं इस रैली के वजह से? आपका क्या नाम है मैडम? मेरा नाम इंदु है, मैं एसएसपी रेलवे बोर्ड की मेंबर हूँ। असल में ये आज जो आंदोलन किया जा रहा है, सदियों से हमें मतलब एक संवैधानिक अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया है, लेकिन ये जो सरकार है दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ें हमें लोगों को कर, हम लोग को जो दलित समाज है, जो हमारा SC ST समाज है, जो OBC समाज है, उसके जो उनकी जो अधिकार है उनको प्राणाघात किया जा रहा है, और आज जब फिर दोबारा से 13 पॉइंट रोस्टर है उसका इन्होंने इसको लागू कर दिया है, जिससे हमारी जो वैकेंसियाँ थी उससे हमारा दलित समाज नहीं आ पाएगा। आज अगर इन लोगों ने नहीं किया तो आज थोड़े लोग उतरे हैं, और आगे जाकर पूरा जन सैलाब उतरेगा, जन जन की महिलाएं, घर से निकल के बच्चे, सब कुछ इस मैदान में उतरेंगे, और मोदी जी को पता लग जाएगा कि अब दलित समाज, आदि का समाज, मोदी जी का समाज इस सड़क पर आ गया है, अब किसी से दबने वाला नहीं है। कहाँ से आइए मैडम, क्या कहना चाहती है रैली के माध्यम से?